नमस्कार, स्वागत है और फिर से आप सभी का माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी खबर मिलती रहे। दोस्तों, पहली से बारहवीं तक की कक्षाओं में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन की मियाद शुक्रवार को समाप्त हो जाएगी। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर 2019 में आवेदन करने से छूटे अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने 11 जून से 15 दिनों तक यह मौका दिया था और छठे चरण के नियोजन के तहत शिक्षा विभाग प्रारंभिक स्कूलों के लिए आगे का कार्यक्रम 2 दिनों पहले ही घोषित कर चुकी है, जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए नियोजन शेड्यूल अभी आना बाकी है। 25 जून 2021 के बीच दिव्यांगों के आवेदन नहीं पड़े हैं, जिनका उनके लिए अलग से नियोजन कार्यक्रम बनाया गया है। पहले श्रेणी की नियोजन इकाइयों में अब औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी होगी, जबकि दूसरी कोटि के नियोजन इकाइयों में 5 जुलाई से काउंसलिंग आरंभ कराने की तैयारी चलेगी। हालांकि दो दो नियोजन शेड्यूल से संबंधित अभ्यर्थियों के संग ही शिक्षा विभाग के स्थानीय जिला शिक्षा प्रशासन को भी कम परेशानी नहीं झेलनी होगी और 2 अगस्त से इसके लिए नियोजन इकाइयों से मिलने वाली सूची पर भी निर्भर रहना होगा। वैसे शिक्षा विभाग का एक ही श्रेणी पहले से 8वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 अलग अलग कार्यक्रम जारी करने के पीछे का अपना भी एक तर्क है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि दरअसल विभाग जल्द बहाली करना चाहता है, फिर वैसे अभ्यर्थियों को नियुक्त करने में देर करने का कोई मतलब नहीं है जिनके नियोजन इकाइयों में दिव्यांगों के आवेदन नहीं पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा प्राधिकारी इस संभावित परेशानी का हल निकालें और जरूरत पड़ी तो इस संदर्भ में वो एक निर्देश सभी DEO को भेजेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को अगर डेली न्यूज़ जानना चाहते हैं इस पर, तो आप बिहार के इस चैनल को चेक करें। इसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।